रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां कोविड-19 के 34 नए मरीज मिले हैं। बलौदा बाजार से 22, कोरिया से 8, बलरामपुर में एक मरीज मिला है, कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर में एक एक मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो अब 626 पर पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 456 हो गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का एक बड़ा आंकड़ा मिला है, आपको बता दें कि जिसके बाद कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 456 पर पहुंच गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता शुभम जुड़ गए हैं। शिवम, एक बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले हैं, क्या कुछ इनके बारे में ज्यादा जानकारी मिल पा रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी तक देखा गया है कि जो बाहर से आए मजदूर हैं या प्रवासी हैं, उन्हीं में ज्यादातर कोरोना देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव के मरीज छत्तीसगढ़ तक मिलते जा रहे हैं, और उन सभी की हिस्ट्री कहीं ना कहीं ज्यादातर जो मरीज मिल रहे हैं उनमें ज्यादातर संख्या में प्रवासी मजदूर ही बताए जा रहे हैं, और उसके बावजूद कुछ जो अन्य राज्यों से आए हुए छात्र हैं उन्हें बताया जा रहा है। लेकिन उन सब मरीजों के बावजूद भी एक चीज ये देखी जा रही है कि कोरोना लोकल कम्युनिटी स्प्रेड पर फैलता हुआ जा रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनके संपर्क में आए हुए हैं, जो जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है किसी प्रकार से, जो पिछले कुछ लंबे समय से यहीं पर राजधानी पे रहते थे, जिन जिलों पे मरीज मिल रहे हैं उन जिलों पर रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि उनमें कोरोना का संक्रमण का है मामला मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बताया जा रहा है कि ये भी एक संक्रमण अब महामारी का रूप ले रहा है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आपको जो अन्य जिलों पर मिले हैं उसके साथ ही जो बलौदा बाजार में भी मरीज पाए गए हैं, उन्हें एम्स में भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है लगातार, और उसके बावजूद एम्स में लगातार खतरा बढ़ता ही जा रहा है कोरोना का। जी बिल्कुल शिवम, और छत्तीसगढ़ के लिए इसे एक मुसीबत भी कह सकते हैं। और रायपुर की बात करें तो शिवम, इससे पहले भी हमने देखा था कि बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए थे, जिसके बाद अब धीरे धीरे कुछ हद तक राहत देखी जा रही थी, उसके बाद से एक बार फिर से कह सकते हैं कि रफ्तार पकड़ ली है कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने। जी बिल्कुल, देखिए कि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से लंबे आंकड़े आ रहे थे सामने, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट हो गया था, हर जिलों में जिला प्रशासन अलर्ट हो गया था, उसके बावजूद सख्ती के बाद कहीं ना कहीं जहां मरीज मिल रहे थे उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था और इसका सख्ती से पालन कराया जा रहा था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो संक्रमण था रुक रहे थे, कहीं ना कहीं मरीजों के आंकड़े में कमी देखी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से मरीज एकाएक लगातार दिन पर दिन मिलते ही जा रहे हैं, बड़ी संख्या में मरीज मिलते जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक छत्तीसगढ़ के लिए खतरा का संकेत है। जी बिल्कुल शुभम, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। रायपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है।